अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का आज जोधपुर पहुंचने पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर तोगड़िया ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं की सहायता के लिए हिंदू हेल्पलाइन सेवा शुरू की जा रही है। हेल्पलाइन के माध्यम से चिकित्सकीय और खाद्य अभाव के अलावा विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान का प्रवास शुरू हो रहा है और उस दौरान हम करोड़ों लोगों की सेवा की हमारी योजनाएं हिंदू हेल्पलाइन, कोई हिंदू बिना मदद नहीं रहेगा, इंडिया हेल्थलाइन, कोई गरीब बिना डॉक्टर नहीं रहेगा, एक मुट्ठी अनाज, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा मुफ्त में अनाज, और गरीबों को मुफ्त में एडवोकेट, ये व्यवस्था का प्लानिंग करने जा रहे हैं। साथ में कोरोना भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उनमें भी लोगों को सावधान करते रहेंगे। मेरा स्पष्ट मानना है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय का, आदेश का सबको पालन करना चाहिए, और इसलिए मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर इस समय चल रहे हैं अजान के लिए, यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का उल्लंघन है। तो सभी राज्य सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन करवाए तो किसी को दबाव या आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं पर भी मंदिर नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि मंदिर हिंदुओं की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र है, और जहां स्वयं भगवान विराजमान है, यह हमारी श्रद्धा है। परंतु पिछले अनेक वर्षों से अनेक जगह पर मंदिर टूट रहे हैं, अलवर की घटना भी उनमें से एक है। मैं विनती करूंगा कि कांग्रेस और भाजपा के दोनों लोग एक साथ बैठे राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में, और कहीं भाजपा की सरकार है वहां भी मंदिर न टूटे,